नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे आप CPO हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे GD रेलवे, सभी में रेलगाड़ी के क्वेश्चन आते हैं, इनकी चाल के क्वेश्चन आते हैं। आज मैं आपको इनको बिल्कुल ईजी तरीके से किस प्रकार से कर सकते हो वो तरीके बताऊँगा, और फिर आप रेलगाड़ी के कोई भी क्वेश्चन उठा के बिल्कुल सेकेंडों में कर दोगे। दोस्तों तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन से पहले इनको सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आपको ये आती है, जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलें, और जो मीटर प्रति सेकंड है इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कैसे बदलें। अब इसमें होता क्या कि आपसे ये गलतियां होती क्यों है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये गलतियां आपसे होती क्यों है, कि आपको ये 5/18 जो सूत्र आपने सुना है ये आप जहां लगाना होता है वहां नहीं लगा पाते, यानी आपका ये उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो अब आज के बाद आपका ये कभी उल्टा पुल्टा नहीं होगा। दोस्तों अब देखिए, जैसे एक रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए इससे गुना करते हैं 5/18 से, 18 का इसमें 5 बार, बराबर कितना आ गया दोस्तों 25 मीटर प्रति सेकंड। अब ये आया कहाँ से 5/18, तो मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे हुआ। अब अगर 5/18 भी आप याद नहीं रखो तो हुआ क्या, ये याद इसलिए रखा जाता था कि थोड़ा जल्दी क्वेश्चन हो। रियल में क्या 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर यानी 90,000 मीटर भाई, 1,000, 1 किलोमीटर बराबर 1,000 मीटर होता है, ये तो सभी को पता होता है। अब इधर आप घंटे में ले लीजिए, 1 घंटे में कितनी मिनट, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में जाता नहीं 90,000 किलोमीटर, 90,000 मीटर सॉरी, 60 मिनट में। अब 1 सेकंड का निकालना है तो और क्या कर देंगे, यानी 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। अब आप इसको हल करिए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 अंक इनको जोड़ लीजिए, 36, 36 में 9 का 4 बार, 90 में 9 का 10 बार यानी 100, और 4 का 100 में 25, तो ये आपका 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी सेम ही चीज़ आ गई, चाहे इससे कर लो और चाहे ऐसे कर लो। तो अगर ये याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो चेंज करने के लिए बिल्कुल आसानी से। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखते हैं, वो चीज़ भी आपको बताऊंगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि रेलगाड़ी की चाल 80 मीटर प्रति सेकंड, तो किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। 80 मीटर प्रति सेकंड है तो पहले आप इससे कर लीजिए, 80 मीटर × 18/5, तो किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, 5 का 80 में 16 बार। अब 16 × 18 को गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 288 किलोमीटर, यानी 288 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये भी कैसे हुआ वो भी देख लीजिए, 80 मीटर 1 सेकंड में, तो 60 सेकंड में कितना जाएगा, यानी फिर 1 मिनट का आ जाएगा, और तो फिर 1 घंटे में कितनी होती है 60 मिनट, तो ये कितना 1 घंटे का जाइए। अब आप अगर इनको गुना करोगे तो भी आपका वही आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा वो आप देख लीजिए खुद भी, 0 0 0, ये 3 जीरो, तो आप क्या करोगे फिर इसको नीचे, ये मीटर में है, इसको किलोमीटर बदलने के लिए 1,000 मीटर होते हैं उसे भाग करना पड़ेगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दीजिए, 8 × 48 × 6, तो 8 × 48 का 8 × 2, 4 × 48 = 2, 26 तो ये 288 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब ये कहाँ से आता है, कोई ये ट्रिक नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक है जो आपको आना चाहिए, मतलब इस प्रकार से आप कर सकते हो, ये आपका बेसिक है जो नीचे मैंने लिख करके बताया, ये बेसिक है, इसी रूप से ये रूप बनता है। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, इसकी मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, याद कैसे रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है या मीटर प्रति सेकंड बड़ा है, बस इतना सा आप ध्यान रख लीजिए। इनमें से बड़ा कौन है, बड़ा कौन है ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखो इसमें 3 वर्ड आते हैं, इसमें 3 वर्ड आते हैं, और इसमें केवल 2 ही वर्ड आते हैं, मीटर प्रति सेकंड, इसमें किलोमीटर प्रति, तो ये बड़ा है ना, इसमें 3 वर्ड आते हैं, तो जिसमें 3 वर्ड ऊपर आते हैं और 2 वर्ड में कन्वर्ट करना है, यानी MS में करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो करना क्या कि यहाँ बड़ा वर्ड है तो इसमें क्या होगा कि नीचे वाला अंक बड़ा होगा और ऊपर वाला छोटा होगा। भाई बड़े को छोटे में बदलना है तो नीचे ऊपर छोटा नीचे बड़ा होगा, तभी तो बड़े को हम छोटे में बदल सकते हैं ना, नहीं तो नहीं बदल पाएंगे। भाई किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है, इसको मीटर प्रति सेकंड छोटा है, इसमें बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको 5/18 से, क्योंकि नीचे बड़ी संख्या होगी तभी तो वो छोटा होगा,
अगर नीचे छोटी संख्या होगी ऊपर बड़ा संख्या होगा तो वो कितना बड़ा हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो इसलिए उसको छोटा करना है। तो हम इस प्रकार से छोटा कर सकते हैं। अब ये मीटर प्रति सेकंड है, इसको हमको किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर प्रति घंटा तो तीन वर्ड में कन्वर्ट करना है यानी बड़े में कन्वर्ट करना है। तो करना क्या होगा, हमको फिर ऊपर बड़ा अंक चाहिए, 5/18 में से 18 आपको ऊपर रखना है और 5 नीचे रखना है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करना है दोस्तों। तो 18 है वो ऊपर रखना है, जब छोटे दो अंकों से तीन अंकों की तरफ जाना है तो 18 ऊपर रखना है, और तीन अंकों से दो अंकों की तरफ यानी छोटी करनी है संख्या को तो 18 नीचे रखना है। अब हम इसके कुछ करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो पटरी के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। पटरी के पास में चाहे व्यक्ति खड़ा हो, चाहे कोई पोल हो, चाहे कुछ भी हो, इसको पार करने के लिए ट्रेन को देखो, अगर यहाँ पर ये बंदा अगर कोई खड़ा है और ये ट्रेन इधर से चुक 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 करती करती जा रही है, तो पार करने में इसको कितना समय लगेगा। तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही आपकी दूरी होगी, क्योंकि ट्रेन यहाँ से पार करना शुरू होगी, यहाँ एंड, जब ये ट्रेन इस पोजिशन में आ जाएगी, किस पोजीशन में, इस पोजीशन में, यानी इस आदमी को यहाँ छोड़ के और चली गई यहाँ इधर, तभी तो पार हुआ ना। तो मतलब ट्रेन की जो खुद की लंबाई है कितनी है, 200 मीटर, तो यानी आपकी दूरी कितनी हो गई, 200 मीटर। ज्ञात आपको क्या करना है, तो समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करने का सूत्र आपको पता ही है कि समय कैसे ज्ञात होता, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब इसमें जो समस्या है वो क्या है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, जबकि आपकी दूरी किस में दोस्तों, मीटर में। कईयों को पता ही नहीं है कि हमको इस चाल को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में क्यों बदलना है। मीटर में इसलिए बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि आपकी जो दूरी दी गई है वो किस में दी गई है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में दी गई है। तो अगर मीटर प्रति सेकंड में दी गई है तो आपको फिर उस जो चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको किस में बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड में। और मैंने बताया कि जब बड़े से छोटे की तरफ लाना है तो बड़ा अंक कहाँ रहेगा, नीचे, तो इसको हम बदलेंगे तो बड़ा अंक कहाँ रहेगा, 18 नीचे, और 18 का इसमें दो बार तो 10 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई आपकी चाल। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, दूरी आपकी 200 मीटर जो ट्रेन की वास्तविक लंबाई है, और चाल हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड, बराबर 20 सेकंड का आपका समय आ गया है। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब 20 सेकंड क्यों आया, वो क्योंकि आपने हमारा जो दूरी है वो भी मीटर में है, और समय हमने किस में ले लिया है, प्रति सेकंड में, चाल को हमने किस में बदल दिया है, मीटर प्रति सेकंड में, तो समय हमारा किस में आएगा, सेकंड में। बस इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। देखो दोस्तों, ये जो रेलगाड़ी है ये है 150 मीटर की, और जो दूसरी रेलगाड़ी है एक ही ट्रैक पर नहीं आ रही, एक ट्रैक पर आएगी तो भिड़ जाएगी, तो एक ट्रैक पर नहीं आ रही, दूसरे ट्रैक पर जा रही है, ठीक है, इनका ट्रैक चेंज है। तो ये इसकी दूरी कितनी है, 100 मीटर, तो इसकी है 150 मीटर और इसकी दूरी है 100 मीटर, ये इनकी दूरी हो गई। तो होगा क्या, एक दूसरे को पार कैसे करेंगे दोस्तों, इसकी चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति हावर, और इसकी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इनकी चाल होगी। तो याद रखना कि जब दोनों एक दूसरे को आपस में क्रॉस करती है तो चाल क्या हो जाती है दोस्तों, जुड़ जाती है, चाल जुट जाती है। क्यों जुट जाएगी, क्योंकि इधर से 36 किलोमीटर स्पीड से ये जाएगी और उधर से 54। आप ट्रेन में बैठे होंगे, जब एक दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो कितनी स्पीड से करती है दोनों, आपने देखा ही होगा खिड़की के पास बैठे, तो उसमें क्या होता है, उनकी चालें जुट जाती है, क्योंकि ये इधर भागती है और वो उधर भागती है, तो बहुत स्पीड से भागती है। लेकिन जो इनकी दूरी है ये भी जुट जाती है, दूरी क्यों जुट जाएगी, अब एक दूसरे को पार कैसे होती है, एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये किस पोजीशन में आएगी तब एक दूसरे को क्रॉस होगी, जैसे इधर वाली जो ट्रेन है ये यहाँ पहुँचेगी और इधर वाली यहाँ पहुँचेगी, तभी तो क्रॉस हुई ना, तो पूरी ये दूरी हो जाएगी दोस्तों। तो क्या करेंगे, 150 मीटर पहली वाली की और 100 मीटर दूसरी वाली की, इनकी दूरी को जोड़ लो, कितनी हो जाएगी, 250 मीटर, ये अपनी 250 मीटर तो होगी दूरी। अब चाल, चाल क्या हो जाएगी, इसकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस दूसरे की 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चालें जुट जाएगी जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं। जब एक दूसरे की समान दिशा में जाते हैं यानी दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, तब चाल क्या होती है दोस्तों, माइनस हो जाती है,
चाल क्या होती है तब माइनस हो जाती है, लेकिन जब विपरीत जाती है तो जुड़ जाती है। उसका रीजन मैंने बता दिया, जब ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती है तो आपने देखा होगा कितनी स्पीड से करती है, और जब ट्रेन एक ही दिशा में दोनों जाती है और जब क्रॉस करती है एक ट्रेन को पीछे छोड़ती है तो देखना कितने हल्के 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 छोड़ेगी, तो यानी उस समय क्या होता है चाल इसकी कम हो जाती है। तो अभी अभी इनकी चाल जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगी जीरो और छः और चार दस, हाथ का एक नौ, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल हो जाएगी। अब हमारे पास में दूरी किस में है दोस्तों, मीटर में। अब तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में, मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है। 5/18 से गुणा करेंगे तो 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी 5 बार जाएगा और 25 मीटर प्रति सेकंड ये इसकी स्पीड आ जाएगी। तो अब क्या करना है हमको, ज्ञात क्या करना है समय। तो हमारे पास में चाल भी है और दूरी भी है, तो समय बराबर होता है कि दूरी बटा चाल। तो दूरी है 250 मीटर और चाल है 25, तो बराबर समय आ जाएगा 10 सेकंड, 10 सेकंड ये आपका समय आ जाएगा दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। जय हिंद।